वाह, एक सरप्राइज पार्टी। हैप्पी बर्थडे मिशेल, हम पूरे साल से इंतजार कर रहे थे। यस हनी, हम तुम्हें तोहफा देना चाहते हैं। चलो भी देखो इसके अंदर क्या है। क्या ये नया आईफोन है? चलो भी अब खोल भी दो। एक यार का बर्थडे स्टोन, सच में? हाँ बिल्कुल, अब ये तुम्हारा है। अब डांस करने का समय है। रुको, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आपको लगता है कि ये एक अच्छा तोहफा है? हनी क्या हुआ? बस मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे वो पसंद क्यों नहीं आया। हद ही हो गई। उन्होंने मेरे 16th बर्थडे पर मुझे पत्थर दिया। जाओ पुराने तोहफों के साथ जाकर रहो। हाँ वो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। हर साल मुझे यही मिलता है। स्वीटी ये पत्थर तुम्हारे लिए है, लो ये तुमने कमाया है। ओह खैर, काश मेरे पेरेंट्स अमीर होते तो चीजें बहुत अलग होती। हैप्पी बर्थडे स्वीटी, ये आईफोन तुम्हारे लिए है। वाह शुक्रिया पापा। हग्स, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं बिजी हूँ? पापा एक जरूरी बिजनेस डील के बीच में है। मॉम के बारे में क्या ख्याल है? ये लो, अब मुझे परेशान मत करना। एक फोन, कुछ पैसे, दिन की कितनी बढ़िया शुरुआत हुई है। चलो फोन चेक करें। ओह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। रुको, ये क्या है? पुराने तोहफे? हाँ यहाँ भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। हे, ये क्या हो रहा है? तैयार हो जाओ, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। आ रही हूँ। कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट है, हालांकि इस टेबल पर मीटिंग जैसी वाइब्स ज्यादा आ रही है। हे पेरेंट्स, क्या हम थोड़ा सा आराम नहीं कर सकते? ये मामला अपने हाथों में लेना होगा। पापा देखो, मैं एक वॉलरस हूँ। मिशेल क्या तुम पागल हो? हम अच्छी जगह पर बैठे हैं, अच्छे से पेश आओ। मॉम मुझसे बात करो। मिशेल मुझे अकेला छोड़ दो। लो अपना फोन ले लो। हाँ इस परिवार में अपने पेरेंट्स की अटेंशन पाने से ज्यादा गैजेट्स मिलने आसान है। आपको हर समय बिजी देखकर मैं तंग आ चुकी हूँ। कोई मेरी बात सुनो। मिशेल मेरे पास समय नहीं है। ठीक है ये लो फोन। ओह नहीं, लगता है मैं पापा को फिर से काम में डिस्टर्ब कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं अपना नया आईफोन पाकर खुश नहीं होंगी। ओह नहीं, अगर ऐसा ही है तो मुझे ये नहीं चाहिए। कोई भी गैजेट परिवार की जगह नहीं ले सकता। काश मेरे पेरेंट्स मेरे जैसे होते। वो ये क्या हो रहा है? क्या मेरे पेरेंट्स टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हैं? वो ट्रेंड्स के बारे में बहुत जानते हैं। हे मिशेल ये देखो। वाह आप दोनों बहुत कूल हो। हमें बहुत कुछ करना है, चलो चले। लिस्ट पर पहली चीज है टैटू शॉप के ट्रिप। यो टैटू आर्टिस्ट, ये इस बच्चे के टैटू बनाने का समय है। टीनेजर के लिए टैटू? आर्टिस्ट थोड़ी हैरान है। शायद पापा का रैप उसे मना लेगा कि वो सीरियस है। ठीक है चलो एक बार ट्राई करते हैं। चिंता मत करो बेबी, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं। हो गया। बुरी बेटी, इस परिवार के लिए एकदम सही है। और अब चलो पार्टी में धूम मचाएं। चलो डांस फ्लोर पर आग लगाएं। ड्रिंक्स चाहिए? पापा आपका क्या मतलब है? अभी मैं बहुत छोटी हूँ। कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर मुझे देखो। उप्स, यहाँ लड़ाई होने वाली है। उसे मारो। बस एक सेकंड, इसे पकड़ो। ओह नहीं, आज पापा का लकी दिन नहीं है। लड़ाई की वजह से अब उन्हें जेल में रात बितानी पड़ रही है। हर वीकेंड ऐसा ही होता है। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। हे हमें बाहर निकाल दो, हमारा प्यारा घर। पर ये इतना गंदा क्यों है? क्या ये जगह कभी साफ हुई भी है? और मुझे बहुत भूख लगी है। मॉम तो मैं क्या करूं? पापा क्या खाने के लिए कुछ है? ओह तुम्हें चिप्स चाहिए? क्या कुछ और है? क्या मुझे चिप्स ही खाने पड़ेंगे? हाँ ये मेरे लिए अच्छी जिंदगी नहीं है।
अगर मेरे पेरेंट्स को खाना बनाना आता होता तो प्रोफेशनल शेफ्स आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगे। क्रिस्पी क्रस्ट वाला फ्राइड चिकन स्वादिष्ट और अब टेस्टी हॉट डॉग। मॉम की तरफ से डिजर्ट और उनका स्पेशल बर्गर। मेन्यू की वैरायटी लाजवाब है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत बढ़िया काम किया। ये खाने की जन्नत है। बहुत सारा खाना था। फ्यू, मिशेल का पेट भर गया। और से आपका क्या मतलब है? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक और चम्मच और एक और। खाओ बेबी खाओ। प्लीज नहीं। फ्यू, ये कैसे हो सकता है? क्यों ना, एक आइडिया है। सुपर हीरो पेरेंट। प्लॉट ट्विस्ट, हम एक असली सुपर फैमिली है। देखो, एक लड़की मुसीबत में है, चलो उसे बचाएं। हम आ गए। कितना बेकार है। विलन को वो मिलना चाहिए जिसके वो काबिल है। हमें बस ये फैसला करना है कि विक्टिम को कौन बचाएगा। मॉम के बारे में क्या ख्याल है? इतने भी क्या जल्दी है अमीनिया? हाँ बिल्कुल, जल्दी किस बात की है? मेरे पास बहुत टाइम है, इससे पहले कि ये लड़का मुझे मार दे। क्या, क्या तुम सीरियस हो? रॉक पेपर सीजर्स। ये कौन जीता? जाहिर है पापा। जीत की खुशी का डांस बहुत अच्छा है, पर लगता है हमने विलन्स को मिस कर दिया। ये सही नहीं है, तुमने चीटिंग की है। बस करो, देखो आपकी लड़ाई की वजह से क्या हो गया। ओह बेचारी, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या, मुझे लगता है ये सब तुम्हारी गलती है। हे, आप कहाँ जा रहे हो? मैं इन हरकतों से परेशान हो गई हूँ। खैर माफ करना बैरल, मुझे अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालना होगा। अब उठ जाओ। ओ नहीं, सुपर हीरो को कॉमिक बुक्स में ही रहने देते हैं। वैसे भी वो असली नहीं है। अगर मेरे पेरेंट्स कॉप्स होते तो? वाह, वो दोबारा लड़ रहे हैं। ये भयानक है। वो उसे मारने वाला है। पुलिस वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ जल्दी करो, अगर तुम कर सकते हो हम उसे अभी पकड़ लेंगे। ओह वहाँ पर क्या है? चलो फ्लाइंग सीन पर चले। हे, आप कहाँ जा रहे हो? क्या तुम सीरियस हो? मेरा क्या होगा? यहाँ कैसा जुर्म हुआ था? हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पार्किंग रूल तोड़ा गया है, चलो एक नोट लिखे। मिशन पूरा हुआ, बहुत बढ़िया पार्टनर। मॉम डैड चलो वापस चले। ओ हाँ चोरी। नहीं, मुझे लगता है हम बहुत लेट हो गए। बेचारे की किसी ने मदद नहीं की। वूप्स, बहुत देर हो गई। ओ नहीं, ये अच्छा परिवार बिल्कुल नहीं है। क्यों ना मैं कुछ हटकर करूं? वाह, मैं कहाँ हूँ? क्या मेरे पेरेंट्स वैम्पायर्स हैं? ये काफी डरावना सा है। हनी, नाश्ते के बारे में क्या ख्याल है? काफी डरावना लग रहा है। टेबल पर बैठ जाओ, कुछ तो गड़बड़ पक्का चल रही है। चिंता मत करो हनी, थोड़ा सा मसाला। चलो सही जगह पर निशान लगाएं। हे, ये क्या हो रहा है? क्या तुम समझी नहीं? तुम ही नाश्ता हो। ओह, कितना बुरा सपना था। अब और वैम्पायर स्टोरी नहीं। ओह, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। स्कूल के लिए तैयार होने का समय है। ठीक है, ये क्या है? टेस्ट F-। अगर मेरे पेरेंट्स प्रिंसिपल होते तो मुझे ई मिलता। हाँ, शानदार ग्रेड्स। अच्छी बच्ची मिशेल, ये मेरी बेटी है। तुम्हारा मतलब हमारी बेटी। ये मेडल तुम्हारे लिए है। स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट के लिए जोरदार तालियां। ओह नहीं, मैं सबसे पक गई हूँ। रुको, और भी है। अच्छे बर्ताव के लिए मेडल, सबसे ब्लॉन्ड बालों के लिए मेडल, ढेर सारे बर्तन धोने के लिए मेडल। ये लड़की हर चीज में माहिर है। ओह, ये मिशेल कितना शो ऑफ करती है। और इसके पेरेंट्स भी बेहतर नहीं है। और अब सेमेस्टर के ग्रेट प्राइज के लिए गोल्ड चेस्ट और एक क्राउन और बाकी सभी चीजें भी।
बाकी बच्चों को इनाम नहीं मिला। उनका यहाँ कोई काम नहीं है। लगता है मिसेस स्मिथ भी मिशेल की सेरेमनी से पक गई है। नहीं, अवार्ड्स की वजह से वो सबसे अलग हो गई। वैसे भी मिशेल के पेरेंट्स की वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता। ओह, काफी बेहतर होता अगर उसके पेरेंट्स सेलिब्रिटीज होते। ये मिशेल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स आए हुए हैं। ओह, दिलचस्प सवालों के लिए शुक्रिया। मिशेल के सेलिब्रिटी डैड बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मॉम भी खुश है। स्माइल, हम फैमिली फोटो ले रहे हैं। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हालांकि ग्लास खाली है। पापा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? एक सेकंड को। शुक्रिया। उप्स, हे भगवान, पानी गिर गया। मेरी स्कर्ट गीली हो गई। ओह नहीं, फिर से नहीं। ये बेकार तस्वीरें सब कुछ खराब कर सकती हैं। और सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर हैं। हमारे पास एक ताज़ा खबर है। दो सेलिब्रिटीज की बेटी बिल्कुल ना समझ है। कैमरा बंद करो। मिशेल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मुझे लगता है सेलिब्रिटी फैमिली भी मेरे लिए सही नहीं है। हकीकत में वापस आने का समय है। मैं अपने असली मजेदार पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उनके अलावा और कोई नहीं समझता। हो, लगता है मम्मी और पापा के पास एक और तोहफा है। क्या ये सच में आईफोन है? वाह, ये शानदार है। चलो देखें। सच में आईफोन वाला पत्थर? पेरेंट्स, आप कभी नहीं बदलोगे, पर मैं फिर भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा परिवार ज्यादा फनी लगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। ट्रुम ट्रुम पर बच्चों और पेरेंट्स के और फनी स्केचेस मिस ना करें।